मीडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी रुडेजा। जैसे कि आप जानते हैं कि कल बॉक्स ऑफिस पर अमावस फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर भूषण पटेल हैं। भाई आप ये भी जानते होंगे कि फिल्म की स्टोरी क्या है, आखिर आप फिल्म देख के जो आ चुके हैं और अगर नहीं देख के आए हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस फिल्म ने लगभग पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 से 4 करोड़ की कमाई कर ली है, यानी कि फिल्म की कहानी अच्छी है और लोगों को पसंद भी आ रही है। इसी के चलते आज भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए 4 से 5 करोड़ की कमाई पार कर ली है। तो कह सकते हैं फिल्म का बजट पिक्चर आखिर रियल में पार कर जाएगी। भाई ये भी बता दें कि फिल्म 18 करोड़ के बजट में बनी थी और ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म अपने बजट तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन भाई सबसे दिलचस्प बात तो ये रही है कि नरगिस फाखरी और सचिन जोशी की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर धूम मचा रखी है। लेकिन लोगों का कहना है फिल्म के रिव्यू देख कर कि भाई सचिन जोशी की एक्टिंग में दम नहीं है। भाई भारी डायलॉग्स की वजह से सचिन जोशी के डायलॉग्स थोड़े से कम पड़ गए और धीमे पड़ गए। तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि नरगिस फाखरी की एक्टिंग में भी ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन स्टोरी में दम बताते हुए, सस्पेंस से भरी स्टोरी बताते हुए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भरपूर भरा पड़ा है और इसी के साथ चलते चलते फिल्म ने सेकेंड डे में 4 से 5 करोड़ की कमाई पार कर ली है। तो भाई अब ये तो बोलना लाजमी होगा कि ये फिल्म तीसरे दिन भी यानी कि कल और अच्छा खासा अपना बजट बना सकती है। तो चलते चलते आपको ये भी बता जाए कि फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो देख कर आइए और हमें भी कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे पास जैसे इसके कलेक्शन का नया अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन आप उस चीज के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PMS मीडिया।